जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सबका इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भोपाल रेलवे स्टेशन की और यहां से चलने वाली सभी ट्रेनों की। यह एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और इसकी रिक्वेस्ट की है आदर्श मेथने ने। जानेंगे दोस्तों भोपाल रेलवे स्टेशन से जुड़ी तमाम जानकारी इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द रेल नॉलेज। भोपाल दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी, जो कि एक जनपद प्रशासनिक मुख्यालय है। यह मध्य प्रदेश का एक बड़ा महानगर है जो राजा भोज की नगरी तथा जिलों के शहर से जाना जाता है। भोपाल शहर का प्राचीन नाम भोजपाल था। यह शहर भारत के मध्य भाग में स्थित है और यह मध्य प्रदेश की राजधानी के साथ साथ एक पर्यटन केंद्र भी है। यहाँ के श्री राम मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, भोजेश्वर मंदिर, शोकत महल, गुहर महल, पुरातात्विक संग्रहालय जैसे बहुत से स्थान पर्यटकों के लिए बने हैं। अब बात करते हैं दोस्तों भोपाल रेलवे स्टेशन की। तो दोस्तों भोपाल रेलवे स्टेशन भोपाल शहर का एक मुख्य रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन का निर्माण भारत की आज़ादी से भी पहले सन 1910 में हुआ था। सन 1975 में इस शहर का दूसरा रेलवे स्टेशन हबीबगंज, जो वर्तमान में रानी कमलापति के नाम से जाना जाता है, उसे तब की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा खोला गया था। परंतु इसी वर्ष रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के रूप में इसका पुनरुद्धार हुआ है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। दोस्तों भोपाल रेलवे स्टेशन भारत में मुख्य रेलवे स्टेशनों की सूची में आता है, जो कि पश्चिमी मध्य रेलवे मंडल के अधीन है। यह रेलवे स्टेशन स्टैंडर्ड कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है, जिसे कंट्रोल करता है खुद भोपाल रेल डिवीज़न। इस रेलवे स्टेशन की समुद्र तल से ऊंचाई है 405 मीटर और इसका स्टेशन कोड है BPL, जिसे आप आसानी से सर्च कर सकते हैं। भोपाल रेलवे स्टेशन के अगर हम प्लेटफॉर्म की संख्या की बात करें, तो यहाँ की 9 रेलवे लाइनों पर 6 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, जहाँ से भारत के सभी महत्वपूर्ण शहरों के लिए सीधी रेल सेवा मिलती है। यहाँ की रेलवे लाइनों की अगर हम बात करें, तो आगरा भोपाल सेक्शन, भोपाल नागपुर सेक्शन, दिल्ली चेन्नई मेन लाइन और उज्जैन भोपाल सेक्शन यहाँ से निकलती है। यह रेलवे स्टेशन दोस्तों तिहरी लाइन वाला विद्युतकृत रेलवे स्टेशन है, जहाँ से विद्युत द्वारा संचालित ट्रेनों का संचालन किया जाता है। नज़दीकी रेलवे स्टेशनों की अगर हम बात करें, तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर, संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन यहाँ से 11 किलोमीटर की दूरी पर और बैरागढ़ रेलवे स्टेशन यहाँ से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों भोपाल रेलवे स्टेशन देश के बड़े रेलवे स्टेशनों की सूची में एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, इसलिए यहाँ पर आपको हर तरह की सुविधा, जैसे रिटायरिंग रूम से लेकर बैंक ATM तक और पार्किंग से लेकर बस ऑटो स्टैंड तक, सब कुछ मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों भोपाल रेलवे स्टेशन से चलने वाली ट्रेनों की। तो करीबन 260 ट्रेनें भोपाल जंक्शन में अपना ठहराव लेकर आगे बढ़ती है और 20 जोड़ी ट्रेनें भोपाल जंक्शन से ही अपनी यात्रा की शुरुआत करती है और वापसी में यहीं पर अपनी यात्रा को पूरा भी करती है, जिसमें 10 राजधानी एक्सप्रेस, 2 शताब्दी एक्सप्रेस, 3 गरीब रथ एक्सप्रेस, 49 मेल एक्सप्रेस, 6 AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 6 पैसेंजर ट्रेन्स, 2 मेमू ट्रेन्स, 12 संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, 125 सुपरफास्ट एक्सप्रेस, 6 हमसफर एक्सप्रेस और 4 अंत्योदय ट्रेन शामिल हैं। और दोस्तों अगर हम भोपाल रेलवे स्टेशन से ही शुरू होने वाली ट्रेनों की बात करें, तो इसमें है भोपाल इटारसी विंध्याचल एक्सप्रेस प्रतिदिन, भोपाल इंदौर एक्सप्रेस प्रतिदिन, भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस प्रतिदिन, भोपाल डॉक्टर अंबेडकर नगर इंटरसिटी एक्सप्रेस प्रतिदिन, भोपाल जयपुर एक्सप्रेस प्रतिदिन, भोपाल दाहोद इंटरसिटी एक्सप्रेस प्रतिदिन, भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस कम पैसेंजर प्रतिदिन, भोपाल हावड़ा साप्ताहिक एक्सप्रेस हर बुधवार को, भोपाल चिरमरी स्लिप पैसेंजर प्रतिदिन,
भोपाल उज्जैन पैसेंजर प्रतिदिन, भोपाल बिना मेमू प्रतिदिन, भोपाल सिंगरौली बाई वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस हर बुधवार और शनिवार को, भोपाल प्रतापगढ़ त्रिसाप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस हर मंगलवार शुक्रवार और रविवार को, भोपाल दुर्ग अमरकंटक सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्रतिदिन, भोपाल दामोह राज्य रानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्रतिदिन, भोपाल ग्वालियर इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस हफ्ते में 5 दिन हर सोमवार मंगलवार गुरुवार शुक्रवार और शनिवार को, और भोपाल खजुराहो महामना सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्रतिदिन। तो दोस्तों, ये थी भोपाल रेलवे स्टेशन और यहाँ से चलने वाली ट्रेनों की छोटी सी जानकारी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।